वेलकम टू एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, फिर से मैं आप सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह के दया से आया हूँ, एक नए जानकारी के साथ आया हूँ। और आज है जो हम पांच पापों के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये पांच पापों को करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा और कभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत से लोगों को मन में ये भी आता होगा कि आज तक मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, कहाँ रुकावटें हैं, किस जगह से फॉल्ट है कि हम परमेश्वर पिता से इतना हम प्रार्थना में मांगते रहते हैं, इतना कहते रहते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। सो मेरे प्रियो, आज हम इस पाँच जो पाप है वो पाँच पापों के बारे में आज जानेंगे, तो हम आप है जो उसे सुधारेंगे अपने जीवन में और उस पांच पापों को हम अपने जीवन से निकालेंगे, तो हम जो भी प्रार्थना में आप मांगेंगे प्रार्थना में प्रभु से, वो प्रार्थना का तुरंत है जो जवाब मिलेगा, उसका है जो तुरंत उत्तर मिलेगा। तो आज हम उस पांच पापों के बारे में देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर वन, परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज अगर आप नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। अगर आप परमेश्वर की खोज करते हैं तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर है जो उत्तर देगा। जैसा कि हम मती रचि सुसमाचार 6:33 पद में देखते हैं कि वचन कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। जो वचन यहाँ घोषणा करता है मेरे मसीह भाई बहनों, कि अगर आप परमेश्वर की राज्य की खोज करते हो, अगर आप परमेश्वर की खोज करते हो, तो आपको जो भी है जो आप प्रार्थना में मांगते हैं, जो भी आप परमेश्वर से कहते हैं, वो परमेश्वर पिता आपको उत्तर देगा, उसको आपको जरूर देगा। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें अवश्य दी जाएगी और आप जिस चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका आपको उत्तर मिलेगा। नंबर दो, सही उद्देश्य होना। जैसा कि हम बाइबल के वचन से देखते हैं, मत्ती रचि सुसमाचार 6:1-4 पद में देखते हैं, तो उसमें कहता है कि सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ ऐलान करता है वचन, सावधान हम आपको करता है कि अगर आज तक वैसा काम आप कर रहे हो, अगर किसी को आप मदद करते हो या दान करते हो या किसी चीजों को आप करते हो और उसे आप लोगों को पूरा जना देते हो और लोगों को प्रचार कर देते हो, लोगों में आप फैला देते हो, तो इससे वचन कहता है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं मिलेगा। सो मेरे प्रियो, जब हम दो पद में देखते हैं तो कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। तो मेरे प्रियो, यहाँ सावधान होने के लिए वचन कहता है, अगर ऐसा हम आप करते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप है जे पाप करते हैं। इसका परिणाम है कि जो भी प्रार्थना में आप मांगते हो उसका उत्तर, उसका प्रतिफल, उसका है जे जवाब परमेश्वर पिता नहीं देता है। और जब हमें चार पदों तक, 1-4 पदों तक पढ़ते हैं, तो इसमें है जे सही उद्देश्य के बारे में बताया है। हम आपका एक सही उद्देश्य होना है कि हम जो भी करते हैं, हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हम मनुष्यों को गुणगान के लिए नहीं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, ऐसा हम आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। नंबर थ्री है दूसरों को माफ करना। जैसा कि हम मती रचि सुसमाचार 6:14-15 पद में देखते हैं कि वचन ऐलान करता है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ डायरेक्ट है जे हम आपको है जे यहाँ जे डायरेक्शन वचन देता है, वचन डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करता है कि हम आपको चाहे कितनों भी हमारे विरुद्ध वो गलती करे, कितनों भी हमें है जे
लगे कि नहीं हम उसे माफ नहीं कर सकते हैं, तो अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा हम करते हैं तो पाप कर रहे हैं। अगर किसी को हम माफ नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और हम जब माफ नहीं करेंगे तो हम भी परमेश्वर पिता से कितनों भी प्रार्थना विनती करते रहेंगे, मांगेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। सो वचन कहता है, वचन यहाँ घोषणा करता है कि हम अगर उसको क्षमा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी है हमारे अपराधों को है जे माफ करता है, और हमारी प्रार्थनाओं को वो है जे सुनता है और उत्तर देता है। तो मेरे प्रियो, हम चौथा पॉइंट को देखेंगे, और चौथा पॉइंट है चिंता न करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जरूरी हम आपके जीवन में है। हम भी चिंता करते हैं, आप भी चिंता करते हैं, लेकिन वचन यहाँ कहता है, जब हम देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार 6:31-32 पद को देखते हैं, तो घोषणा करता है वचन, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 में कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन घोषणा करता है, हम आपको चिंता करने के लिए मना करता है। अगर हम आप पूरा चिंतित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम भी चिंतित रहते हैं, और ऐसा आप भी चिंतित रहते होंगे। अगर हम आप ऐसा चिंतित रहते हैं तो आज इस वचन से हमें सीखना होगा कि हमें परमेश्वर पिता कहता है कि तू चिंता ना करना। हम अपने आप जो भी चिंता है परमेश्वर के ऊपर सौंपें, उनको ऊपर निर्भर रहने के लिए हम सोचें, हम अपने आप है जे उनको ऊपर है जे विश्वास करने के लिए, उनके ऊपर अपने बोझों देने के लिए हम लोग सोचें, तो हमारा परमेश्वर पिता कहता है चिंता न करना। अगर हम चिंता करते हैं तो हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर खुद कहेंगे कि तुम बेटा खुद चिंता करते हो, तो चिंता करके तुम उसे पूरा करो, उसका प्रश्न, उसका प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलेगा। और पांचवा जो अंतिम लास्ट है, जो है पॉइंट है, वो दोष मत लगाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मत्ती रची सुसमाचार 7:1-2 पद में देखते हैं, तो वचन ऐलान करता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे वचन ऐलान करता है कि अगर हम आप अभी तक दोष लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमारा परमेश्वर पिता कहता है कि जब तुम दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हम जिस नाप से दूसरे को नापते हैं उसी नाप से हमें भी नापा जाएगा। सो मेरे प्रियो, अगर दोष लगाते हैं तो ये भी एक पाप है, और दोष लगाना एक दूसरे के ऊपर बंद करें। और परमेश्वर कहते हैं कि जब दोष लगाना तुम बंद करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर उसका मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आज मैंने मुख्य जो पाप है उस 5 पापों के बारे में हम लोगों ने जाना, और वो 5 पापों है जो हम सब के लिए प्रतिदिन चर्या जीवन में होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम सब प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर से मांगते रहते हैं, उसका जवाब और उसका परिणाम नहीं मिलता है। सो मेरे प्रियो, आज का जो भी ये वीडियो है उस वीडियो को आप है जे सुने होंगे तो आप समझ पाए होंगे कि आज तक आप प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता है। सो मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन से आप आशीष को पाए हैं तो आप कमिटमेंट बॉक्स में आप है जे लिखें, कमिटमेंट करें कि प्रभु ने आपसे क्या बातचीत किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके लिए है जे प्रार्थना कर सके। अगर कोई बात है आपके लिए, अगर मन में कुछ बातें ऐसी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने वीडियो में बने रहे अंत तक, वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे दिया होगा। तो मेरे प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।